शिव हंस के साथ में आज हमारे साथ में है श्री मैथिली शरण जी गुप्ता डीजीपी पुलिस मध्य प्रदेश। आपका स्वागत है मेट्रोमीटर में। आज जो खास मुद्दा लेके हम बातचीत कर रहे हैं वो है आपका पसंदीदा मेरा पसंदीदा और पूरी दुनिया का पसंदीदा मुद्दा कि अपराध मुक्त भारत कैसे हो। और मैं सोचता हूँ कि भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी लोग सोचते होंगे कि अपराध मुक्त दुनिया कैसे बने, है ना। तो इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कि आप आम जनता की भाषा में आम जनता को भी जागरूक करें, टेक्निकली नहीं बल्कि अपने शब्दों में, जिससे उनको समझ आए कि हाँ अपराध की जरूरत है और उसके लिए हम एक बेहतर कार्य योजना लेके आए हैं और काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने पहला प्रश्न किया है कि क्या अपराध मुक्त भारत की आवश्यकता है, तो मैं इसमें आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा। क्या आपकी दृष्टि में अपराध मुक्त भारत आपको नहीं चाहिए? क्या आपके आपको अपने आसपास सुकून का भारत और वातावरण नहीं चाहिए क्या? क्या आप गुंडे बदमाशों और अपराध के भय में जीना चाहते हैं? इसका आंसर बड़ा सिंपल होगा कि हम में से हर कोई चाहता है कि उसके आसपास सुकून का वातावरण हो, वो सुकून की सांस लेते हुए अपना जीवन यापन करे और जो भी उसकी विकास की यात्रा है, जो भी उसकी जीवन की यात्रा है, वो सुकून और शांति के परिवेश में यदि वो जी पाता है तो उससे बड़ी बात और उपलब्धि उसके लिए नहीं हो सकती। तो अब दूसरा सवाल होता है जो आपने पूछा है कि कैसे हो, इसे लेमन भाषा में कहा जाए। तो सबसे पहले तो यदि आप किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट की यात्रा करना चाहते हैं तो ये समझना जरूरी है कि आप जिस पॉइंट पर हैं वो वहां के हालात आज क्या हैं। तो जो हम पुलिस की बात करते हैं, आज हमारी पुलिस एक अपने आप में ही एक बहुत बड़े दबाव में जी रही है। जब मैं अपनी पुलिस का आकलन करता हूं तो मुझे अपनी पुलिस हमेशा गहरे दबाव में, कार्य के बोझ में दबा हुआ मैं उसे पाता हूं। मैं उसे ओवर स्ट्रेस पाता हूं और उसका जो आसपास का वातावरण है वो उसके लिए काफी हॉस्टाइल है और हॉस्टाइल वातावरण के कारण वह बहुत सारे बीमारियों से भी ग्रसित हो गई। आजकल हमने नया सिस्टम चालू किया है जिसमें हम उनका एनुअल मेडिकल चेकअप कराते हैं और मेडिकल चेकअप में हमारे काफ़ी पुलिस वाले जो है वो बीमारियों से ग्रसित पाए जा रहे हैं। अधिकांश लोगों को जो है वो ब्लड प्रेशर की बीमारी है और आजकल डायबिटीज की बीमारी भी अमूमन काफ़ी लोगों को होने लगी है। और उस दबाव के चलते जो है और उसके ऊपर बहुत सारी और भी चीज़ें रहती हैं, कुल मिला के वो बहुत सारा सुसाइड भी कर रहा है, बहुत सारे सुसाइड केसेस भी आपको अंदर है और इन्हीं गुणी आप जो है फैक्ट्री साइड केस भी सुन रहे हैं जहाँ पुलिस वाला पुलिस वाले को भी मार देता आ रहा है, चाहे उसको छुट्टी ना मिली हो या और कोई बंटवारा कर लेकर कोई खड़ा हुआ है कुछ भी हो रहा है, लेकिन ऐसे केसेस भी आप सुनने को आ रहे हैं। ये तो हो गया है पुलिस की अपनी साइड वाली पुलिस की जो जो पुलिस का मैं अनुमान करता हूँ। अब हम पब्लिक की साइड से पुलिस को देखने की कोशिश करते हैं तो मैं बता हूँ कि हमारी पुलिस में जो चातुर्य है उसमें कहीं कमी है। उसके पास जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो वो अपने आप को अपराधियों को पहचानने में, उनके प्रति साक्ष्य इकट्ठा करने में और उनको कोर्ट में जो है चालान करने में और फाइनली कोर्ट में सजा दिलाने में कहीं अपने आप को कमजोर ना, तो उसके पास नेचुरली जो विकल्प रहता है नेक्स्ट वाला वो ये रहता है कि वो अपराधों के नियंत्रण की बजाय फिर आंकड़ों के नियंत्रण में लग जाती है। और जब पुलिस आंकड़ों के नियंत्रण में लगेगी तो उसका पहली जो प्राथमिकता होगी कि आपको थाने के बाहर कैसे निकाला जाए। तो जो आप कभी कभी अभद्र व्यवहार या गलत व्यवहार की बात करते हैं वो इसी भावना से ग्रसित रहता है कि हम आपसे अभद्र व्यवहार करके कैसे आपको थाने के बाहर।
इसका मूल जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है कि जो अपराधों का संज्ञान ना होने से, यदि जो गरीब किसी व्यक्ति ने अपराध किया और आपने उसका अपराध का संज्ञान ही नहीं किया, तो आपने तो उसको उसी दिन जो है बरी कर दिया, मतलब अभी उसका केस रजिस्टर नहीं हुआ तो बरी हो गया। तो अपराधों के पंजीयन ना होने से अपराधी को बहुत ज्यादा जो है इंसेंटिव मिलता है, इंसेंटिव कमेंट का है। यही कारण है कि पहले कुछ अपराध ऑर्गेनाइज हुआ करते थे, आजकल लगभग हर अपराध ऑर्गेनाइज हो गया है, नेटवर्क बन गया है, क्योंकि पकड़ा जाना नहीं है, कोर्ट से जो है सजा मिलना नहीं है। सर पहले यहाँ साक्ष्य कमजोर होंगे, फिर जो है पॉकेट विटनेस की प्रॉब्लम आ जाएगी, कुल मिला के सजाया भी एक दूर का जो है सॉल्व नहीं हो रहा। तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम होती है कि आपने बहुत जिद किया, नहीं साहब हमारी एफ आई आर लिखी है तो आपसे एक एप्लीकेशन ले लेता, वो एप्लीकेशन भी बामुश्किल कभी एफ आई आर में कन्वर्ट होती, अधिकांशता वो एफ आई आर में कन्वर्ट होती। जब हम किसी अपराध को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो दबाव तो समाज का रहता है, सभी का दबाव रहता है, तो उस दबाव में कई बार गलत व्यक्तियों को भी बुक कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केस पाए जाते हैं कि जब बाद में सही अपराधी पकड़ा गया तो मालूम था कि इसमें किसी दूसरे को ऑलरेडी न्यायालय में गिरफ्तार करके पेश किया जाता है। तो चाहे वो शाबाशी लेने के लिए किया जाए या दबाव में के साथ कैसे जाना करके दिखाना है तो वैसे हो, लेकिन इन सबका जो मिला जुला असर पड़ता है कि अपराध घटित करने के इंसेंटिव बढ़ते जा रहे हैं, और यही कारण है कि अब बहुत सारे गांव के वो अपराधों में जो है ना संलिप्त हो गए हैं। आपने किशनगंज और ऐसे बहुत सारे गांव आपके नाम सुने होंगे, स्पेशली जैसे जब हम रेलवे अपराध की बात करते हैं तो पूरा गाँव ही रेलवे क्राइम में होता है। फिर ओवर द पीरियड कहीं हमने कानून का टिकट प्रोटेक्शन नहीं किया। जैसे पहले अपराध जब तक कि हमने इस बात को समझा और दिशा निर्देश नहीं बदले, तब तक आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ट्रेन में जो चोरी होती थी उसे धारा 379 में रजिस्टर किया था। धारा 379 का मतलब है खुले मैदान से चोरी। तो क्या रेलवे का कंपार्टमेंट खुला स्थान है? नहीं। तो उसमें जो अपराध बनता है वो 380 का बनता है। 379-380 में एक नंबर का फर्क नहीं है, बहुत फर्क है। 379 में 3 साल की सजा है, 380 में 7 साल की सजा है। 379 है ये कंपाउंडेबल है और 380 नॉन कंपाउंडेबल। तो ये बड़ी बड़ी गेट क्या हमें पकड़े, जिससे बहुत ढेर सारे ऑफेंसेस हमने पकड़े। और हमने पाया कि एक जब हम एक बार देख रहे थे कि साहब क्या हुआ कोर्ट में, तो टू आवर अटर सरप्राइज कि उसमें अधिकांश केसेस में कोर्ट के बाहर कंपाउंडिंग होगी। तो हमने समझने की कोशिश की कि कोर्ट के बाहर कंपाउंडिंग क्या बला है। तो मालूम पड़ा कि इन लोगों ने अपने हेडक्वार्टर खोल के रखे हैं दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, ऐसे बहुत सारी जगह पे, और उनके सरगने वहाँ बैठते हैं, छोटे प्यादे जाके अपराध करते हैं। जैसे ही गैंग पकड़ा जाता है उसके आकार को मालूम पड़ता है कि उसकी गैंग पकड़ी गई है, वो अपने एडवोकेट के नेटवर्क को फॉर्म करता है, एडवोकेट जो है उसकी जमानत वो करता है। अब एक बार जमानत पर जेल पे बाहर आ गए, अब उसका दूसरा काम रहता है कि हम कैसे कंपाउंडिंग कराए, ठीक है ना। तो वो जो है आप जैसे आपका 25,000 की चोरी गई, उसने कहा कि हम आपको 50,000 रुपये दे देंगे तो आप खुश होंगे, तो इसी 25,000 की चोरी गई और 50,000 मिले तो आप एकदम सहज तैयार हो जाएंगे। उसको सवाल एक चोर पूरी करनी है, उसको मालूम है कि हम सेकंड चोरी कर जाएंगे जिनका संज्ञान नहीं हो रहा, तो एक में थोड़ा ज़्यादा देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहले तो अधिकांश केसेस में FIR दर्ज नहीं हो रही है, फिर आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, फिर जो कोई पकड़ गए वो इस रस्ते से बाहर निकल गए, तो आपकी व्यवस्था पूर्णतः निष्प्रभावी सी। फिर कपल में बहुत सारे चैलेंज हैं, स्पेशली यदि आप रेलवे की बात करें तो रिपोर्टिंग अपने आप में एक प्रॉब्लम है, अपराधी कहाँ गया, कैसा गया, जो बंदा वहाँ पे आपकी व्यवस्था में जा रहा है क्योंकि हर चीज मूव कर रही है, तो अधिकांश जो है वो विलुप्त हो जाते हैं साक्ष।
तो उनको विलुप्त होने के पहले पकड़ना बहुत जरूरी है। तो इन सब का जो कुल मिला के जो असर पड़ता है वो अपराध के फेवर में है, अपराधियों को इंसेंटिव टू कमिट क्राइम मिलता है, ठीक है ना। अब आप इसमें बात इस बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे आप, तो आप अगला क्वेश्चन दीजिए तो मैं उसका अगला जवाब दूंगा। मेरा सा मानना है कि पुलिस पुलिस जो कानून है वो 1861 में शुरू हुआ है, तो ये बहुत पुराना कानून है, इसमें वास्तव में कुछ रिफॉर्म होने चाहिए, तो आपका उस संबंध में क्या कहना है? देखिए इसमें कोई ज्यादा दिमाग की बात नहीं है, 1857 में आपका फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उसको दबाने के दृष्टि से जो है 1860 में आईपीसी बनाया गया था और 1861 में पुलिस एक्ट बनाया गया था। आज भी हमारी पुलिस जो है ना पुलिस एक्ट उसी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न कर रही है। इसमें एक कमेटी बनाई गई थी, उसने मॉडल पुलिस एक्ट बनाया था सेंट्रल लेवल पर और उसी के आधार पर एक मध्य प्रदेश का पुलिस एक्ट भी बनाया गया था जो 2007 में शासन को भेजा गया था। अभी 12 साल हुए हैं, मैं अपेक्षा करता हूँ कि शासन उसको शीघ्र जो है ना कार्रवाई करेगी और मध्य प्रदेश की जनता को रूल सेट का लाभ जो है से और वंचित नहीं करता है। फंडामेंटल राइट की हम बात करते हैं हमेशा और अंदर आर्टिकल 21 राइट टू क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ दुनिया भर की चीजें आती है लेकिन सबसे टॉप में मेरे को लगता है कि आपका जो मुद्दा है अपराध मुक्त भारत वो सबसे टॉप में आना चाहिए, इस समझ में आपको ये करना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे आर्टिकल 21 है उसके देखकर पूरी बात किया, उसका दो भागों में साथ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ संविधान में लाइफ लिखा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर इलाबरेट किया तो उसने कहा कि लाइफ का मतलब है इंसान जैसी लाइफ, जानवरों जैसी लाइफ, ठीक है ना। तो क्वालिटी लाइफ जो ना सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन से आया, ठीक है ना, और फिर उसने इसको प्रसार किया तो आपको राइट टू एजुकेशन इससे मिला है, राइट टू एनवायरमेंट आपको इससे मिला है, राइट टू फूड इससे मिला है, राइट टू हेल्थ इससे मिला है, तो ये चार फंडामेंटल राइट जो है वो राइट टू क्वालिटी लाइफ से निकल के आए हैं। और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि क्वालिटी लाइफ का जो सबसे महत्वपूर्ण जो यदि कोई एट्रीब्यूट मेरी नजरों में है तो भोजन वायु नॉइस ये सब तो ठीक है, ये थोड़ा दूर से रिलेटेड है, एक आदमी से उसका जो सिक्योरिटी का वातावरण है वो ज़्यादा इंटीमेटली रिलेटेड। आप एक अच्छे से बड़े से बंगले में बैठे हुए हैं और यदि आप घर के अंदर जो सुरक्षित महसूस नहीं हो रहे हैं, नहीं कर रहे हैं अपने आपको, या बाहर जा रहे हैं आपको लग रहा है कि आपके बच्चे और बीवी घर के अंदर सुरक्षित नहीं है, या छोटी छोटी बड़ी चीज़ें और कुछ भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, ठीक है, या आपके बच्चे बाहर गए हैं और घर लौट के आने तक जो है ना आपको 25 बार फोन लगा रहे हैं, उसके साथ कोई बात नहीं है, लेकिन आपका वो भय आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कहीं ना कहीं खत्म कर देगा। So, you can only enjoy quality of life if somebody is living in a safe and secure environment. So, safe and secure environment is certainly very, very integral part of the quality of life. Thus, it becomes your fundamental right. Now, it is a high time that Supreme Court should pronounce a law or judgment exactly on this line. The crime-free India is your fundamental right and everybody must work to make it happen because that fundamental right is enforceable in court of law. It is justiciable and it is enforceable. That is the only difference between the directive principle and fundamental right. So once it becomes your fundamental right, it means it becomes your right which you can get it enforced in court of law. आपकी नजर में अभी तक फंडामेंटल राइट पे किसी ने यूपीआई लगाया है या इस तरह की चीज आपको ध्यान में है? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। बस 1996 में एक पिटीशन लगाई गई थी, वो इस धारा के तहत नहीं लगाई गई, वो 146 आर्टिकल के तहत लगाई गई,
जिसके तहत जो है मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, जिसको आप प्रकाश सिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में जिसमें 2006 में बड़ा जजमेंट दिया था, जिसको क्रूस लाकर जजमेंट कहते हैं, जिसके तहत 7 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन दिए थे। ये अफसोस की बात है कि उसमें बहुत ज़्यादा जमीनी फायदा किसी को नहीं मिल पाया है, और एक समय है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट जो है उसको दोबारा रिविजिट करें और आर्टिकल 21 के तहत उसे ये फंडामेंटल राइट इंटरप्रेट करेंगे। लेट क्राइम फ्री एनवायरनमेंट, क्राइम फ्री इंडिया शुड बी ए फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटी। आई फील के मैंने आपके उसका जवाब दे दिया। मुझे भी थाने में जाते हुए डर लगता है और इसी तरह से आम जनता को थाने में जाते हुए डर लगता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और इस संबंध में पुलिस रिफॉर्म्स के तहत आप लोगों ने क्या कदम उठाए हैं या क्या प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, अभी मैंने आपको पूरी हमने अपनी स्थिति को जो है ना आपको समझाया था, और हमने उसमें कहा था कि पुलिस की भी वर्तमान स्थिति जो है अपराध नियंत्रण से आंकड़ा नियंत्रण में पहुंच गई है, और वही इस सभी समाधान का जड़ है। तो प्रशिक्षण से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि सवाल प्रशिक्षण का नहीं है, सवाल नियत का है, और सवाल अकेले खानदान की नियत का नहीं है, हमारी नियत भी कहीं गड़बड़ है। अब हम आपको बताते हैं हमारी नियत कैसे गड़बड़ है। यदि आपका कोई चीज़ आप गुण लिखाना चाहते हैं तो आप पोर्टल पर जाकर भी लिखा सकते हैं, चोरी की रिपोर्ट जो है ना आप पोर्टल पर नहीं लिखा सकते, ठीक है ना? ऐसा क्यों? तो एक मेरे बड़े सरकारी से मेरी बात हो रही थी, तो उसने कहा कि नहीं सर क्या प्रॉब्लम है, तो सिटीजन पोर्टल है, आप चाहे तो उसमें कंप्लेंट लिखा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, यदि मैं सिटीजन पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट लिखा दूंगा तो क्या इस बात की गारंटी है कि हमारी एफ आई आर दर्ज हो जाएगी? नहीं सर, उसकी गारंटी तो नहीं। इसका मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि आप मेरा मिसिंग लिखा दीजिए, तो हम चाह रहे हैं कि आपकी चोरी को भी आप मिसिंग लिखाइए, जिससे कि चोरी के आंकड़े कम आ जाए। नहीं तो जिस पोर्टल में है उसी में वो पूरी बात लिख रहा है, और लिख सकता है कि चोरी गया है कि मिसिंग हुआ, उसको दो जगह आने की कोई जरूरत नहीं। तो अब इसका जो जवाब है, और आपने जैसे मुझसे पूछा कि मेरी सोच क्या है, तो इसकी सोच के बारे में मैं अभी जो बात मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने आपको बताया था 1996 में जब मैंने कहा कि जब हमारी पुलिस यातायात के चालान करती थी तो लोग कहते थे कि पुलिस वसूली कर रही है। कुछ केसेस में ऐसे ही भी होगा, लेकिन चालानी का तो करती थी लोगों को, चालान कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के लिए आरोप लगाना बड़ा आसान सा था। तो हमने कहा इसका कुछ फंडामेंटल कुछ सुधार निकाला जाए, कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए। सो आई सेड कि आज के बाद पुलिस चालान नहीं करेगी, एक बार डिसीजन। और हमारे समय में जो पब्लिक के चालान हुए, जो इसके पहले चालान होते लगते थे, उसे चार गुना से भी ज्यादा चालान होते थे, लेकिन हमने उनको जमीन पर चालान नहीं करने दिया, हमने उनका नेगेटिव इंटरफेस हटा दिया, और हमने चालान की वजह एक दूसरा कॉन्सेप्ट लाए, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स। और वो व्यक्ति जो है वो वायलेशन रिकॉर्ड करता था, गाड़ी का नंबर और वायलेशन का प्रकार लिख के, और कंप्यूटर से उसके चालान जो है जनरेट होते थे। और पुलिस का इतना भय या पुलिस की कुटी इतनी वो थी कि हमारे 99% जो है जितने भी हमने चालान काटे उसका पालन भी हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, मुझे लगता है कि अब सब, और उसमें टेक्नोलॉजी हमारे साथ नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी में आमूलचूल परिवर्तन आ गया है, आज टेक्नोलॉजी हमारी तरफ बैठी हुई है। मेरा मानना है जब तक पुलिस वाले अपने आप को सुधार नहीं लेते हैं तब तक पब्लिक को पुलिस थाने में जाने की दिक्कत होती है। हम उसको वर्चुअल थाना क्यों नहीं देते? तो जैसे ही आपने याद किया वर्चुअल थाना आपके पास कौन है, आप डिसाइड करिए कि आप पहला पुलिस अधिकारी से बात करेंगे या पुलिस अधिकारी से बात करेंगे। आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो आपसे किस टॉन में बात करेगा। अजूब करिए कि आप मॉडर्न लड़के हैं और आपको मॉडर्न टॉन की पुलिस चाहिए तो वो मॉडर्न टॉन में आपसे बात करेगी। आप हम जैसे बुजुर्ग हैं, आप लोग जैसे बुजुर्ग हैं, तो हमसे वो और ज़्यादा मर्यादित और विश्वास में बात करेगी।
मतलब हम जो है ना केवल इंटरफेस बदल सकते हैं बल्कि हम एक्सपीरियंस को जो है एकदम डायमेंटिकली दूसरे डायमेंशन में ले जा सकते हैं. समथिंग लाइक जो गेम थ्योरी है और जो गेम्स है उसके हिसाब से जो है वी कैन चेंज योर एक्सपीरियंस, नंबर वन. नंबर टू, कई बार जो है फरियादी कहता है मैंने तो ये रिपोर्ट ही नहीं की, मेरे तो जो फायदा साहब अपने मन से ले ली. जब ये वर्चुअल थाना आपके पास जाएगा तो जो कुछ भी हो रहा होगा वो तत्काल जो है इंक्रिप्टेड होकर हैस वैल्यू से प्रोटेक्ट हो जाएगा, इसे कोई नहीं बदल सकता है. तो ये कहने का किसी को हक नहीं होगा कि साहब मैंने जो है ना तो किसी के प्रभाव तो किसी का है नहीं, वहां कोई है नहीं उस वाला, तो जो कुछ भी है वो सब वर्चुअल है. तो आपकी जितनी भी दलील जो इस तरीके की वो खत्म हो जाएगी और एफ आई आर का वो पूरा कॉन्टेंट आएगा, नंबर वन. नंबर टू, चूंकि उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठी हुई है तो वो पुरोहित पुरोहित के वो आपसे वो हर चीज पूछ लेगी जो कि अपराधों के लिए आवश्यक है. तो अब यदि कोई अपराध बना हुआ है उसके अपराध के एट्रीब्यूट्स के लिए जितनी चीजें आवश्यक हैं उनको वो जो है आपसे निकाल के और उस धारा का जो है वो एफ आई आर बन जाएगी. और वो एफ आई आर हम जो है थाने में नहीं मिलेंगे, हम उसको सिटीजन पोर्टल के माध्यम से सीधे सीसीटीवी पोर्टल पे जाके थानेदार के डेस्क पे जो है ना वो पैदा होंगे. और इसके बाद थाना प्रभारी के पास दो ऑप्शन है, या तो उसमें अपने डिजिटल सिग्नेचर करके उसको एफ आई आर स्वीकार कर ले, या वो अपने यदि कुछ कारण लिखना चाहता तो ये राइट रीजन के साथ इन कारणों से मैं इसे संगे अपराध नहीं मान पा. उसी कानून में एक सेक्शन है 154 में हम एफ आई आर दर्ज करते हैं और 154(3) में पावर है कि यदि आपकी पुलिस वाला थानेदार नहीं सुनता है तो आप एसपी के पास जा सकते हैं, एसपी के पास पोस्ट से भी भेज सकते हैं और एसपी जो है जब उसके पास वो शिकायत पहुंचती है तो वो उसका संज्ञान ले सकता है, वो किसी को भी जांच करने के लिए या तो खुद जांच कर सकता है किसी को दे सकता है. तो यदि थानेदार ने रजिस्टर नहीं किया तो वो जाके एसपी के पोर्टल पर पहुंच जाए, ठीक है. अज्यूम करिए कि यदि एसपी भी उसे नहीं मानता है, एक मिनट के लिए सब चीज डिजिटली लॉक है, से एसपी भी जो है ना गलत निर्णय लेने के स्वतंत्र नहीं, ना थानेदार स्वतंत्र है ना एसपी स्वतंत्र है. तो सिस्टम यदि कल सबकी भावना बनती है तो वो उसको सीधे जो है ना मजिस्ट्रेट के पास पुश कर देगा, क्योंकि 156(3) में कोर्ट को पावर है कि यदि पुलिस नहीं सुनती है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं कि साहब थानेदार थाने को जो है दीजिए. तो सिस्टम जो है ना आपको फरियादी को बिना दिक्कत दिए हुए कानून की तमाम मंशा को बिल्कुल डिजिटली सुकून के साथ वो कर सकता है. अभी एक चीज में और जरूरी है कि बहुत सारे लोग गलत जो है रिपोर्टिंग करते हैं, तो जब सब संज्ञान हर तरीके से हो रहा है तो गलत रिपोर्टिंग एक जघन्य अपराध होना चाहिए और उसमें कोई सजा होना चाहिए जिसकी गलत रिपोर्ट आप कर रहे हैं. तो यदि आपने मर्डर की गलत रिपोर्ट की है और ये सिद्ध होता है कि आपने गलत रिपोर्ट की है तो आपको मर्डर की सजा मिलना चाहिए, आप 10 साल के लिए जेल जाना चाहिए, आपको 14 साल के लिए जेल जाना चाहिए. तो हमें जो है पुलिस का नेगेटिव इंटरफेस हटा देना चाहिए. अब नेगेटिव इंटरफेस बस गया, कर गया, चलो आपका संज्ञान हो गया, इससे काम बन जाएगा, इससे काम नहीं बनने वाला. अब हमें पुलिस को ताकतवर बनाना है, अब पुलिस के हवालदार को पकड़ ही नहीं है, कैसे करना है. तो हम ऐसे थाउजेंड से ऐप को निर्माण कर रहे हैं जो बाद में हम इंटीग्रेट करके जिसको हम इन्वेस्टिगेशन ऐप नाम देंगे, वो हर सूक्ष्म चीज पे पुलिस की मदद करेगा. वो जो है ये इस बात की मदद देगा कि क्राइम सीन को करके कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए, वो इस बात का मदद देगा आइडेंटिफाई करने में मदद देगा कि क्रिमिनल किस रस्ते से अंदर गया है, किस रस्ते से बाहर गया है, उसकी फोटोग्राफी करने में उसकी मदद करेगा. यदि यहाँ पे जो करीब क्राइम हुआ है और कोई चीज यहाँ पड़ी हुई है और पुलिस वाले का ध्यान नहीं जा रहा है तो उसको कई फ्रेमों में बांट के वो हर फ्रेम की फोटोग्राफी करेगा और वो कह रहे हैं जब पेंसिल लाइन देयर या नाइफ लाइन देयर प्लीज गो टू दैट एंड यू विल से इसका क्लोजअप कीजिए. तो वो आपको उन सब चीजों को भी दिखाएगा जो आप नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देखना चाह रहे हैं. फिर बैक एंड इंटेलिजेंस यूजिंग द पावर ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड सीसीटीवी एंड इनपुट फ्रॉम द वेरियस स्टेक होल्डर्स पूरे 130 करोड़ जनता से वो उन सब साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगा जो पुलिस वाले की क्षमता और रडार दोनों के बाहर है. हम संभवतः इतने एविडेंस इकट्ठा कर पाएंगे कि हमारा जो है
हम उन सभी यदि इविडेंस यदि कोर्ट पर रेस करेंगे तो कोर्ट बहुत लंबा चलेगा। तो हम हमारा सिस्टम सिलेक्ट करेगा कि हमारे पास तो 100 साक्ष्य हैं लेकिन ये 10 साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो हम 10/100 करके कोर्ट के पास भेजेंगे कि हमारे पास 100 है 10 भेज रहे हैं, यदि आपका दिल ना भरे तो एक बटन दबा देना हम बाकी नेक्स्ट सेट ऑफ 10 भेज देंगे। क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भी है कि वो जो है ना कोर्ट का समय बचाएगा। फिर कोर्ट की स्थिति लगभग जो है ना आज के थर्ड अंपायर से हो जाएगी, वो एकदम स्पष्ट और सही न्याय देगा क्योंकि उसके पास गलत चीज के लिए कोई जगह नहीं होगी और सही चीज पर्याप्त मात्रा में होगी। यह सिस्टम जो है ना वकील को भी अपने अपनी जगह पर खड़ा करेगा क्योंकि जिन चीजों की जरूरी वकील जो है ना दो चीजों पर बहुत समय करता है, एक करता है कि वेदर दिस इविडेंस इज एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ और दूसरा करता है कि साहब चेन ऑफ कस्टडी इज ब्रोकन, तो इविडेंस जो है ना कि जो भी वैल्यू है इट इज जीरो। जब ये सिस्टम जो है ना ये इविडेंस फेस करेगा तो ये लॉग इविडेंस देगा और इनकी जो है ना इसके प्रूफ भी देगा, प्रूफ ऑफ एडमिसिबिलिटी एंड प्रूफ ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। तो बकी साहब इन दो चीजों के माध्यम से अपने दिमाग नहीं चला पाएंगे। तो आने वाले समय में हमारा जुडिशियल सिस्टम न्याय करेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, पुलिस गलत व्यक्ति को बंद नहीं कर पाएगी, यहाँ सभी हम प्रकरणों में जो है संज्ञान ले पाएंगे, तो सभी प्रकरणों में संज्ञान होगा, सभी प्रकरण जो है ना लगभग पर्दे में आएंगे, सभी प्रकरणों में केवल जो है ना सजाया भी होगी। और जैसे जैसे हमारा जो है सिस्टम बढ़ेगा तो हम इस बात को प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्रिमिनल का अगला रूप कहाँ होगा। तो जो अभी आपको चौराहे में पुलिस दिखती है, शायद जिस पुलिस की मैं कल्पना कर रहा हूँ वो वहाँ पे आपको चौराहों में पुलिस नहीं दिखेगी, पुलिस वहाँ पैदा होगी जहाँ उसकी आवश्यकता होगी क्योंकि सिस्टम को मालूम होगा कि क्रिमिनल का नेक्स्ट मूव यहाँ होने वाला है। और अब हमारा अपराध दो तरीके का है, एक है कि कई प्रकरणों में तैयारी ही अपराध है, तो तैयारी के हमारे पास साक्ष्य है हम उसको बुक कर पाएंगे, और जहां पे तैयारी अपराध नहीं है वहां पे हम प्रिवेंटिव सेक्शन का सहारा लेके उसके ऊपर प्रभावी प्रिवेंटिव कार्रवाई करके भी उसे रोक पाएंगे जबकि अभी उसने अपराध कर ही नहीं पाया है। हमारे द्वारा बेसिक केस किए गए एनएसए और जिला बदर ऐसे हवा में नहीं उड़ाए जा सकते। जब अपन न्यायालय में कह रहे हैं कि सजा देना पक्का होगा तो ऐसे ही इतने साक्ष्य होंगे कि उसे जो कमेटी है उसको अप्रूव करने वाली उसके पास इतना आसान नहीं होगा कि उसका हवा में। इस जो हमारी परिकल्पना का जो पांचवा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये आइडेंटिफाई करेगा कि वो कौन सी पॉकेट्स हैं जहां पे कि अपराध जो है लाइवलीहुड का जो है साधन बन चुका है, ऐसी पॉकेट्स को पहचान के इसके पहले कि वो अपराध करें हम उनके रिहैबिलिटेशन की कार्रवाई करेंगे। तो इन पांचों चीजों को मिला के मेरे ख्याल से आपको कुछ लग रहा होगा कि अपराध मुक्त भारत संभव है। आपने बहुत अच्छे शब्दों में आपने बताने की कोशिश की, मैं आशा करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो आपकी बात को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं लाइव पब्लिक से अपील कर देता हूँ, मेरा एक ही क्वेश्चन है कि सर पुलिस पे ओवर डिपेंडेंस नहीं हो, इसका कोई अल्टरनेट सिस्टम। देखिए हमने अभी कहा है कि पुलिस ओवरबर्डन है, ठीक है, और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम पुलिस को कैसे डिवर्डन करें, कैसे करें। तो हमारे सिस्टम में गेजेस लगे हुए हैं, उन गेज का पहला काम ये है कि वो कहते हैं कैन दिस वर्क बी मैनेज विदाउट पुलिस, यदि वो काम पुलिस तक पहुंचेगा तो पुलिस तो बर्डन हो जाएगी, इसलिए वो काम जो है या तो ऑब्जर्वर के पास जाएगा या वॉलंटियर के पास जाएगा या स्टेक होल्डर के पास जाएगा। जहां पर सिस्टम कहता है कि नहीं कानूनी आवश्यकता है कि केवल पुलिस ही इस काम को कर सकती है, ठीक है ना, तो वो चीज पुलिस पे जाएगी लेकिन उसके साथ साथ स्टेक होल्डर्स के पास भी पहुंचेगी जिससे स्टेक होल्डर भी उसे फॉलो अप कर सके कि साहब आपको ये जानकारी दी गई थी, ये साक्ष्य दिया गया, तो एक तो सिस्टम खुद मॉनिटर करेगा कि हमने दिया तुमने क्या किया, ठीक है ना, और उसे आपसे पूछने की जरूरत नहीं, उसे सब मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपका कोई भी काम उससे छिपा नहीं है, ठीक है ना। और पब्लिक जिसको हम स्टेक होल्डर कह रहे हैं चूंकि उसको भी वो इन्फॉर्मेशन परोसी गई है
तो वो भी पूछ सकता है कि साहब ये इन्फॉर्मेशन आपको जितना सिस्टम ने दी थी अभी तक आपने स्वीकार कोई क्यों नहीं की, अभी तक आपने आजादी क्यों नहीं पूछा, अभी तक आपने रिकवरी क्यों नहीं की, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ, लाइक बाय लाइक। मेरा ऐसा मानना है कि बढ़ते अपराध का कारण बढ़ते सामाजिक मूल्य, मतलब आजकल भाई भाई को दुश्मन देख रहा है, बहन बहन को दुश्मन देख रही है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को दुश्मन देख रहा है, और ये कह सकते हैं कि इसके साथ ही जो भ्रष्टाचार हट गया है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, या फिर एन जी ओ सेक्टर हो, या किसी भी सेक्टर का हम देख रहे हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन है, आप क्या सोचते हैं इसको कैसे कम किया जा सकता है और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए जो बातें आपने कही हैं वो सारा नहीं मिल सकते, उसको नकारा नहीं जा सकता है, वो इस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम सामाजिक परिस्थितियाँ के साथ जमीनी हकीकत है अब इसे क्या कर सकते हैं, और हम अपना मन मार के उससे समझौता करें। दूसरा तरीका यह है कि हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, क्योंकि हम जो है मूल्यों को इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। अब जैसे करिए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान, उन्होंने कहा कि एक दिन आप खाना मत खाइए, पूरे देश की जनता ने खाना नहीं खाया। अब हमें उस चरित्र के यदि नेता मिलेंगे तो शायद, या उस चरित्र के साधु संत मिलेंगे, या उस तरीके के लोग मिलेंगे जो इस तरीके का परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं, तो ये काम में बड़ी आसानी मिलेगी। वो लोग ये काम करते रहे कोई बुराई नहीं, नेता जी काम करें ये भी करें, मोदी जी काम करें, किसी लोग काम करें, लेकिन वहीं जो है हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेके इन प्रवृत्तियों पे अंकुश लगाना होगा। सुखला जी आप एक बात मानेंगे, आप ये बात मानेंगे कि आप स्वयं जब इंडिया में रहते हैं तो आपका व्यवहार आचार व्यवहार अलग रहता है, जब आप विदेश जाते हैं तो सेम वर्ष सुखला जी जो है बिहेव नहीं करती, क्यों? क्योंकि वहां का सिस्टम आपको इससे हटके व्यवहार करने पर इमीडिएटली पकड़ लेता है। तो वो वातावरण क्या है? टेक्नोलॉजी। वातावरण क्या है? वहां के सिस्टम, वहां की प्रोसीजर्स, वही वातावरण है। देखिए बाकी जो आप बता रहे हैं वो सब भी किया जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो और अच्छा है तरीका है, लेकिन उसका होने का इंतजार है, उसमें यदि 100 वर्ष लग रहे हैं, 25 वर्ष लग रहे हैं, तो क्या आपके पास 25 वर्ष का समय है वेट करने का? तो जो चीज आज की जा सकती है उसे आज किया जाना चाहिए, और साथ में जो आपके बात कह रहे हैं कि भाई भाई से प्यार करें, फलाना करें, वो जो है आचार विचार प्रभावित हो, और इस सब के बीच में कहीं ना कहीं लालच, स्वार्थ और भ्रष्टाचार, भय, ये सब चार तीन चार जो इंग्रेडिएंट है, इस सब के आसपास ही पूरी इबादत लिखी गई है, ठीक है ना। तो हम उसको जितने भी तरीके हो सकते हैं उन तरीकों से करने की कोशिश करें, लेकिन जो तरीका आज संभव है उसको कल के लिए ना डालें, ये मेरा सोच रहा है। एक मैंने ऑब्जर्व किया है कि मीडिया के थ्रू भी, मैंने अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से कि बच्चों और महिलाओं में भी अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्या सोचते हैं? देखिए कई बार परिवर्तन आता है तो आदमी जो है वो सब करना चाहता है, जब वो दबाव महसूस कर पाया है नहीं कर पाया है, तो कई बार जो है महिलाएं भी जो है वो सब चीजों को करना चाहती, जो उनको लगता है कि नहीं, पुरुष सोचता है कि हम नहीं कर सकते, जो तो जैसे 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 जो है ना सिगरेट पीना, आप देखेंगे बहुत सारी लड़कियां जो है वो सिगरेट पीते हैं, आपको जाएंगी, वो संभवतः उसी तरीके की भावनाओं का जो है वो है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है, इस मैनिफेस्टेशन से बचने का एक ही तरीका है कि हम और आप विभिन्न तरीके के कारणों से चलते फिरते ज्वालामुखी बन गए हैं। आज हम आपसे पूछेंगे सुखला जी आप कैसे हैं, तो आप इस बात से प्रसन्न होने के बजाय आप उसे पढ़ सकते हैं कि गुप्ता जी आप क्यों पूछ रहे हैं, वो आज क्यों हो रही हूँ, मतलब एक उसल से उसने जैसा साधारण सा सवाल पे एक ज्वालामुखी फट सकता है जो कि नहीं होना चाहिए। तो शुरू में जो है हम ऐसे अपराधों को कंट्रोल कर पाएंगे जहां पे कि इंसेंटिव है, लाइवलीहुड का प्रश्न जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आस्था बढ़ेगी, आज मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों को सिस्टम में भरोसा नहीं रह गया, उनको लगता है कि
यदि हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो पुलिस पकड़ के बाहर छोड़ देंगे, छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसे लगता है तो वो अपने लेवल पे ही चीजें सेटल करता है। प्रवृत्ति नहीं है, मजबूरी कहूंगा, आप उसको प्रवृत्ति कर दीजिए, मैं उसे मजबूरी कहूंगा। उसके मानस पटल पे ऐसा इंप्रेशन क्रिएट हो गया है कि सब थैले के चट्टे बट्टे हैं, आप कहीं भी जाओगे लिखा कोई सुनवाई नहीं है, कोई संज्ञान नहीं किया जाएगा, कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो संभवतः कानून हाथ में लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और जब वो कानून हाथ में लेता है तो वो खुद क्राइम कमिट करता है, उसके लिए उसकी खुद कार्रवाई भी होती है, उसे जेल भी जाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कई बार निर्णय इस तरीके की गलत निर्णय लेता है और उसके पीछे हमें उसकी मानसिकता को देखना पड़ेगा, सिर्फ आलोचना से काम नहीं करना पड़ेगा। और उसकी वो मानसिकता क्यों बनी है उन कारणों को हटाना पड़ेगा, रायदर उसको वासुदेव के साथ मॉब लिंचिंग करा रहे हैं। क्या मॉब लिंचिंग क्या ऐसे जो भी जो पब्लिक या मॉबोक्रेसी के तहत जो भी कार्रवाई करती है, तोड़फोड़ करती है, क्या पब्लिक को जब पकड़ी जाती है तो उसको उसका कानूनी जो है ना खामियाजा हो चुका होता है? लेकिन वो इस काम को मजबूत, जैसे जिन करिए कि मान लो हम आपके पास जाए और आपको अधिकारी हैं और आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, कब मेरा जो है ना ज्वाला भी फट जाए और एमएलसी के साथ बड़ी वोट हो जाए, राइट? नाउ ये ना हो, इसीलिए हमें वो संवेदनशीलता लाना पड़ेगी। और वो संवेदनशीलता किसी की मेहरबानी के बतौर ना है, ये हक नहीं है, वो टेक्नोलॉजी से ही संभव है। और इसके बाद तो उसमें कार्रवाई हुआ, अभी तो सवाल है कि वो सुन भी नहीं रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है, 10 साल अपना पटके भी रहता है तभी उसमें कुछ नहीं कर रहा है। संभवतः ऐसे लोग ही जो है चूंकि और बहुत सारे कामों में अच्छे होते हैं तो वो हर किसी को पसंद आते हैं, ऐसे एलिमेंट जो कि खराब है जिन्हें बाहर फेंकना चाहिए, जिनकी डी होना चाहिए, जिनको सस्पेंड हो जाना चाहिए, वो चमकते हुए सिक्के की तरह बाजार में है, हर कोई उन्हें चाह रहा है, उन्हें अच्छे पदों पर बैठाना चाह रहा है। ये बात बदलना पड़ेगी, खोटे सिक्के को खोटा सिक्का डिक्लेयर करना होगा और सही सिक्कों को चलना होगा, तो हमें आकलन की प्रक्रिया को बदलना होगा। जैसे अभी हमने आपको बताया नहीं, हम हर चीज को जो भी पुलिस काम करेगी उसके फैसिलिटेशन के लिए हम कोई ना कोई टेक्नोलॉजी इजाद करेंगे, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसकी हम मदद नहीं करेंगे। कल की पुलिस ताकतवर पुलिस होगी और उसको टेक्नोलॉजी की ताकत उसके साथ होगी। जब वो टेक्नोलॉजी आपकी मदद कर रही है तो उसे ये भी मालूम है कि आप क्या काम है, वो आपके काम को नहीं, आपके काम के 100वें हिस्से के एट्रीब्यूट को भी आकलन की क्षमता रखती है, वो भी 100% ऑब्जेक्टिव, और उसको वो एक आपके परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल के ऊपर आपका वो रैंकिंग भी चल सकती है। तो यदि आप जो है आपने कोई काम किया जिससे कि आपकी प्रोफेशंस थोड़ी सी कम हो गई और आपके रैंक नीचे आ गई, एक मैसेज आपको पहुंच रहा है, योर रैंकिंग हैज कम डाउन, प्लीज प्रेस ए बटन टू नो हाउ टू इम्प्रूव योर रैंक, और वो इम्यूनिटी देगा प्लीज डू दिस दिस दिस, आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। अब यदि इसके बावजूद भी आप वो काम नहीं करते हैं तो आप डेड वुड हैं, आपको कंपल्सरी रिटायर होना चाहिए। तो सिस्टम जब भी शासन उसे चाहेगा तो ऐसे डेड वुड को आइडेंटिफाई करके उनको समय रहते नौकरी से बाहर भी निकाल देगी, तो ये डेड वुड जो है ना रिटायरमेंट की एज तक भी जाएंगे, वो 10-15-20 साल में जो है ना बाहर हो जाएंगे और जनता को अच्छे अधिकारियों का, अच्छे लोगों का, अच्छे पुलिस सेवकों का जो है ना लाभ मिलेगा। फिर आपको उन्हें समझाइश भी देना होना पड़ेगी, वो जो है ना जब उनका 90% बर्डन कम हो जाएगा वो रिलैक्स होंगे, स्ट्रेस नहीं होंगे, उनकी पेट बाहर नहीं होंगे, उनकी बर्दा उनका चेहरा जो है ना जैसे संत का चेहरा चमकता है वैसा उनका चेहरा चमकता होगा, राइट? वो 10% काम करके उन्हें 100% क्रेडिट मिलेगी, 100% सजा भी मिलेगी, और जब वो सब काम कर रही है तो आप उसकी पूजा करेंगे, जब आप उसकी पूजा करेंगे तो वो पुलिस आपके साथ व्यवहार करेगी, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी, आपको वेलकम ड्रिंक भी देगी। आपने सही कहा कि जो इनफिशिएंट लोग हैं उनको बाहर करना होगा, तभी सिस्टम इंप्रूव होगा। और देखिए जो लोग बाहर गए हैं उनसे बहुत खराब सैंपल अभी सिस्टम में अवेलेबल है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बाहर गए हैं क्या भाजपा की ऑब्जेक्टिव भी बाहर गए हैं, क्या सिस्टम के अंदर जो सैंपल है उनसे अच्छे हैं, हाँ ये भी सवाल है।
तो इसका मतलब यह है कि हमारा हर जगह ऑब्जेक्टिव आकलन सतत होना चाहिए, और आपको वो आपके वरिष्ठ अधिकारी को आपका आकलन नहीं भेजेगा, वो आपको भेजेगा। इट विल एक्ट एज ए मिरर, इट विल टेल यू, हे मिस्टर शुक्ला, यू हैव डन दिस गुड जॉब, यू गॉट 500 रुपीज, कैसे मार 1000 रुपीज, कैसे मार, वो आपका रैंकिंग सिस्टम बताएगा। तो जब आपका मिरर आप, वो आपकी आत्मा हो जाएगा। जैसे आप गलत काम करते तो आपकी आत्मा कहती है ये क्यों कर रहे हो शुक्ला जी, ऐसा मत करो, और हम उसको दबा देते हैं, वो गलत काम। ये उस आत्मा से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आत्मा की नहीं सुनते हो तो कुछ नहीं होता है, इसकी नहीं सुनोगे तो कम ना कुछ। एक हिस्सा आपने इसका ऑलरेडी कवर किया है कि जुडिशरी आर्टिकल 21 के तहत अपराध मुक्त भारत को आपका फंडामेंटल राइट मानते हुए उसको इंटरप्रेट करे और इसका आपका दृश्य दे। ठीक है, दुर्भाग्य से हम सब लोगों की मानसिकता क्या रही है कि पुलिसिंग इज स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ आप लोगों की गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। अपनी नौकरी के बाद हमें जो है ना ये सेक्शन हमने बड़े मुश्किल से कभी ध्यान गया, किसी ने ध्यान आकर्षित कराया था, मेरा यहाँ ध्यान गया, और हमने पाया कि लिस्ट वर्ग में एक एंट्री है जो सीधा कह रही है मेरे हिसाब से ना केंद्र शासन की जिम्मेवारी है। उस एंट्री का नाम है लिस्ट वर्ग में 65C, जो कहती है कि केंद्र शासन को ऐसे संस्थान और ऐसी व्यवस्थाएं करना है जिससे कि टेक्निकल और साइंटिफिक असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। कितनी सीधी बात है ये, इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम में साइंटिफिक और टेक्निकल जो सुविधा है उसको कवाड़ना जो है केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। जो अभी जो भी हमने आपको समझाया था ये बात आप समझ रहे हो कि ये साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम है, तो उसके तहत ये निश्चित तौर पर केंद्र शासन की जिम्मेवारी है और लिस्ट वन में है तो केंद्र शासन की, केवल केंद्र शासन की जिम्मेवारी, राज्य शासन की जिम्मेवारी ये नहीं है। राज्य शासन की जिम्मेवारी है, पुलिस की जिम्मेवारी है, लेकिन उस पुलिस को सक्षम बनाना, उस पुलिस को जो है ना दिव्यचक्षु देना, उस पुलिस को जो है एम्पावर करना, उस पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव कर देना, उस पुलिस का जो है ना अपराध संज्ञान हो उसके लिए सक्षम बनाना, उसको इतना सक्षम बनाना कि वो हर केस को डिटेक्ट कर सके, उसको इतना सक्षम बनाना कि हर केस में सजाए भी मिले, और उसको बाद में इतना सक्षम बना लेना कि अपराध करने के पहले अपराधी को पकड़ ले। ये निश्चित तौर पर केंद्र शासन की मूलभूत जिम्मेदारी है। मैंने इस बारे में माननीय जो है प्रधानमंत्री जी को के गृह सचिव को डीओ लेटर लिख के समय मांगा है कि माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष में यह बात प्रस्तुत करना चाहूँगा, और यही बात मैंने प्राइवेट सेक्रेटरी और पर्सनल सेक्रेटरी और OST टू जो है होम मिनिस्टर अमित शाह उनको भी डीओ लेटर लिखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको 65C के तहत जब तक अंगीकार नहीं किया जाएगा ये 200 जो है पूरा नहीं हो सकता है। एक मैं इसमें और चीज में बता दूँ, ये सिस्टम क्या बना है, यदि इतना पावरफुल सिस्टम है तो सिस्टम का दुरुपयोग का भी एक सवाल होता है। तो मैं आम जनता को बताना चाहूंगा कि एक सिस्टम की परिकल्पना जो की गई है इसका दुरुपयोग संभव है। ये सिस्टम जो है एक किले जैसे मजबूत जगह पर बैठेगा, इसकी हर चीज इंक्रिप्टेड रहेगी, फायर वॉल से प्रोटेक्टेड होगी, इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, इसमें जाने आने के कोई रास्ते नहीं बनाए, इसमें तीन तरीके से इनपुट जाएंगे। एक उसकी ही द्वारा निर्मित ऐप के माध्यम से, हर ऐप से जो जानकारी आ रही है वो इनक्रिप्टेड रहेगी, हैशमेल से प्रोटेक्टेड रहेगी, और वो जो है जिसकी प्लेयर के पास जा रहा है वहां से जो जानकारी लेगी वो इनक्रिप्टेड और हैशमेल के साथ के अंदर जाएगी, और पहले जो है ना उसको पका लिया जाएगा कि इसमें उसमें कोई मिलावट तो नहीं। देन जो है वो पुलिस के 91 के पावर के तहत खुद जानकारी मांगेगी वो भी, और उस जानकारी को भी असर नहीं करेगी, और उसको पका के पुलिस को पेश करेगी दो तरीके से, या तो इन्वेस्टिगेशन लीड देगी या एविडेंस देगी, और वो एविडेंस यहाँ तक देगी कि सब इस एविडेंस की वैल्यू ये है, और ये व्यक्ति से कोर्ट ऑफ लॉ में करेगा, और ये सीधी वैल्यू जाके जो है ना उसके चालान वाले उसमें जाके टैग हो जाएंगे, जब वो चालान बनेगा तो टैग अपने आप उसमें अटैच हो जाएगा। तो पुलिस वाला तो वो एक प्रपोज चालान भी बना देगा, पुलिस का आयु जो है उसे बदल सकता है, लेकिन बैकएंड इंटेलिजेंस ये देखेगी कि कहीं इसमें गलत हो गई, मतलब वो जो है हमेशा आगे बढ़ रहेगा। तो ये जो सिस्टम है ये वेल प्रोटेक्टेड है,
जब इसके अंदर जो है न्यूरल नेटवर्क्स और उस तरीके की ताकत डाली गई है और जो भी इनपुट आ रहे हैं उस इनपुट को पैटर्न में कन्वर्ट कर, तो मैं आपको बता रहा था कि जो सिस्टम है वो सिस्टम उसको हर तरीके से पुलिस अधिकारी को मदद देगा और पुलिस अधिकारी जो है उसको इन्वेस्टिगेशन लीड मिलेगी, उसको एविडेंस लीड मिलेगी और बहुत सारा एविडेंस जो कि ऑब्जर्वर वॉलंटियर्स या टेक्नोलॉजी से इकट्ठा हुआ है वो पुलिस को परोस दिया जाएगा, देखा जाए तो वो पुलिस को बिना किसी मेहनत के मिलेगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम होगा जिसको कोई मैनिपुलेट करने की स्थिति नहीं रखता है। इसमें न्यूरल प्लेटफॉर्म का जो है न्यूरल सिस्टम डाला गया जो नई नया कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग का। तो डीप लर्निंग के पास क्योंकि इसमें 130 करोड़ जनता से इतने सेंसर से 91 सीआरपी से इतना चीजें जो है ना इकट्ठी अकुमुलेट होगी पूरी कंट्री की, तो इसके पास जो इनपुट होगा उस इनपुट को जो है दो भाग में मार्केट जो कहते हैं नई भाषा में ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा, तो 80% को ट्रेनिंग डाटा और 20% को टेस्टिंग डाटा बना के वो इससे टारगेट हासिल करेगा। और यदि आज उसकी 60% है तो कल 70% होगी, 80% होगी, 90% होगी, वो 100% के नजदीक पहुंच जाएगी। तो ये ताकत हासिल करने के लिए उसे किसी बाहर के व्यक्ति की जरूरत नहीं है, उसे मैथिली सबूत की जरूरत नहीं, ठीक है ना। हाँ, उसके हायर पर्सन जो है वो निर्माण बने होते रहेंगे और जो निर्माण होंगे वो सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, उसके डाटाबेस में जो है ना उसकी भी ताकत नहीं रहेगी पहुंचने की, उसका डाटाबेस पूरी तरह से इनक्रिप्टेड रहेगा। लिहाजा अभी जो आप आपकी जो जानकारी ली जाती है पुलिस वाला जानकारी लेता है, देखा जाए तो बहुत लोअर सोशियोलॉजी के हाथ में वो जानकारी पहुंचती है जिसमें कि आपकी निजता प्रभावित होगी। इस सिस्टम के तहत आपकी निजता 100% प्रोटेक्टेड रहेगी। तो कहते हैं ना आम की आम उठियों के दाम, तो आपको एक ऐसी पुलिस मिलेगी जो आपके सभी केसेस का संज्ञान करेगी, जो सभी केसेस को डिटेक्ट करेगी, जो सभी केसेस में कोर्ट में सजा दिलाएगी, जो अपराध घटित होने के पहले भी उनको रोक पाएगी, लोगों को रिहैबिलिटेट भी कर पाएगी, एट द सेम टाइम आपकी निजता को भी प्रोटेक्ट करेगी और उसकी निजता को आपकी निजता को प्रभावित करने की सामर्थ्य सो कॉल्ड इनसाइडर उसके पास भी नहीं है, क्योंकि इनसाइडर के पास भी सिस्टम के डाटा तक पहुंचने के रास्ते नहीं है। अंत में तो आपसे निजी सवाल पूछना चाहूंगा कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं और आपके शौक क्या है, हॉबीज क्या है, अगर आपको पूरा दिन एक मिल जाए सपोज करो मिलता तो अगर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? मेरी पत्नी है, दो पुत्रियां हैं, मेरी बड़ी पुत्री जो है उसकी शादी हो गई है, खुद जो है एक सॉलिस्टर है, मेरी पत्नी बहुत जो है सपोर्टिव है, बहुत रिलीजियस है, बहुत स्पिरिचुअल है। जब मैं नौकरी में आया था तब से ही जो है उन्होंने हमेशा हमको बहुत सपोर्ट किया है और शायद उन्हीं के कारण मैं हमेशा सेल्फ एक्टिवाइजेशन मोड में रहा। तो शुक्ला जी मैं आपको बताना चाहूंगा जब मैं प्रोबेशनर था उस समय भी मैं इसी क्षमता के साथ और इसी सेल्फ एक्टिवाइजेशन मोड में काम किया हूं जो आज मुझे डीजी कर रहा हूं। बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी बात है। अब आपने कहा कि मेरी क्या हॉबी है, तो मैं गेम नहीं खेलता हूँ, हालांकि पहले खेला था। मैं योगा में बहुत विश्वास रखता हूँ, मेडिटेशन में बहुत विश्वास रखता हूँ और आजकल तो प्रोफेशनल मेडिटेशन में बहुत विश्वास रखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आज की इस भौतिकता में जहाँ चारों तरफ जो है एक व्यवस्था दिख रही है, कोई अपने आप को संसम नहीं पा रहा है, जो भी है वो बेवस है, इस बेवस माहौल में आपको जान के ताज्जुब नहीं होता है कि मैं अपराध मुक्त भारत जैसे शब्द को जो है उपयोग करने की हिम्मत कर रहा हूं। तो मेरा इसमें ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो एक प्रोफेशनल मेडिटेशन जो मैंने काम किया है इसका एक बड़ा रोल है और अधिकांश चीजें कंटिन्यूसली उसी मेडिटेशन से फ्लो होती है।
हर रोज जो है ना यूनिवर्सिटी जुड़ रही है, हर रोज जो है प्रोजेक्ट चालू हो रहे हैं, मतलब कितनी आबाद गति से काम चल रहा है। मतलब कई बार जो है किसी ने कहा तो मैंने जोकिंगली कहा कि जब कंस जो है देवकी के पुत्रों और पुत्रियों को मार रहा था, तो अंतिम पुत्री को जब पत्थर में मारने की कोशिश की, उसके हाथ से वो भिदक के और आकाश की तरफ चली गई। उसने कहा रे दुष्ट, तेरे को मारने वाला पहले ही पैदा हो चुका है। तो इस सिस्टम का जो भ्रूण है वो तो पैदा हो चुका है, वो सेव ले रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि कॉस्मिक डिजाइन के तहत यदि ऐसा सोच आया है तो निश्चित तौर पर उसका उसको सभी का सपोर्ट मिलेगा, उसका उसको जुडिशरी का सपोर्ट मिलेगा, उसको केंद्र शासन का सपोर्ट मिलेगा, उसको राज्य शासन का सपोर्ट मिलेगा, उसको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। और मैं तो एक तौर पर ये भी कहूँगा कि यदि आपका फंडामेंटल राइट है तो बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता है। आपको आगे क्यों नहीं जाना चाहिए कि ये मेरा हक है और ये ड्यूएबल है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। मेरे ख्याल से जब आपको इसमें कहा गया है कि बिना मांगे माँ दूध नहीं पिलाती है, तो आप क्यों सोचते हैं कि कोई माँ से भी बेहतर होगा जो बिना कहे बिना सोचे आपके लिए कुछ कर देगा। तो माँ और बच्चे के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही प्राकृतिक संबंध है, और उस संबंध में भी ये कहा गया है कि जब तक आप रोएंगे नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी। तो भाई साहब, मैं देश के हर नागरिक से कहना चाहता हूँ कि अपने हक के लिए आप रोइए, मांग करिए, और यदि अपराध मुक्त भारत संभव है तो वह ये आपके लिए एक हकीकत बनना चाहिए। यही मेरा आपसे आभार है। थैंक यू वेरी मच गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद metromirror.com को समय देने के लिए। आपका सपना जो है अपराध भारत को एक पूरा होगा। मैं ये चाहूंगा कि इसे मेरा सपना ना कहा जाए, ये आम नागरिक का सपना होना चाहिए। और सपना ही क्यों, हक होना चाहिए और हकीकत होना चाहिए। मैं आप लोगों आपके जो है ना इस चैनल के माध्यम से आम जनता को कहना चाहता हूं कि यह पूर्णतया संभव है यदि मुझे जो है प्रश्रय सहयोग और पेट्रोलाइजेशन मिले, तो एक साल में इसका प्रथम जो है सिस्टम आम जनता के लिए अवेलेबल होगा, वो भी पूर्ति अमाउंट। आपको अपना फीडबैक editor@metromirror@gmail.com भेजना है। धन्यवाद।